है और बना रहा है मल्टी कलर चिप कुकीज़। आते हैं हम आज की फाइनल रेसिपी की तरफ, मल्टी कलर चॉकलेट चिप कुकीज़। हमें लूरपाक का बटर चाहिए, बेहतरीन मक्खन है, यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह बड़ी से बड़ी छोटी सी छोटी सुपरमार्केट्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में आपको आराम से मिल जाता है। सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, स्प्रेडेबल भी है, इसमें जो आपको चाहिए ले रहे हैं। और ये सिर्फ बेकिंग के लिए नहीं है, या आप देखते हैं मैं तड़का भी इसमें इस्तेमाल करती हूँ, खाना भी इसमें पकाती हूँ, हर चीज़ में आप इस लूरपाक के मक्खन को यूज़ कर सकते हैं। और इनकी बेहतरीन सी पक्की क्रीम चीज़ है जो कि मैं बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ करना आपको बताया है, तो ये चीज़ें आप ख़रीदिए और इस्तेमाल कीजिए। ओके, मल्टी चिप चॉकलेट मल्टी कलर चिप कुकीज़ के लिए आपको करना क्या है कि आपको सब में पहले बटर और दोनों शुगर यानी कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर को आपको बीट करना है। जब वो अच्छी तरह से बीट हो गया तो आपको उसमें एक अंडा और वेनिला एसेंस जाएगा, फिर उसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के फोल्ड करेंगे, लास्ट में चॉकलेट चिप्स हम डाल देंगे, ठीक है, और फिर इसको हम कुकी स्कूप से डालेंगे। अच्छा, एक बात, मेरे पास चॉकलेट चिप मल्टी कलर चॉकलेट चिप कुकीज़ थे, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा का मसला है, आई डोंट नो क्या है, कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो गायब हो जाती है, वो सामने ही नहीं आती है। कल मेरा कम से कम 2 घंटे उस चॉकलेट चिप कुकीज़ को ढूंढ ढूंढ के गुजर गए, खैर मुझे नहीं मिले। फिर फाइनली मुझे क्या मिल गया, मुझे मिनी M&M मिल गई। मैंने कहा ठीक है मैं इससे बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये मिनी मिलते हैं आपको, बाहर मिलते हैं, शायद कराची में भी मिलते होंगे, तो ये आपने ले लिया, या आप चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लो मल्टी कलर, या आप ये छोटे वाले मिनी M&M's ले लो, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, सब में पहले मैं बटर लूँगी, लूरपाक का 3 ounce, ये 4 ounce है, इसमें से मैं 1 ounce बचा लूँगी। थोड़ा सा कोशिश करिएगा सॉफ्ट एंड हो, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे हो। अच्छा बेटा, ओके, बस मैं इसको हटा रही हूँ, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया, आपको सेहत दे, बहुत शुक्रिया जी। और आपकी रेसिपी मैंने बनाई थी तवा चिकन मसाला, कैसी बनी थी? जबरदस्त आपा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी दीजिए। तवा मसाला पुलाव आपने बनाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंडा और सब्जी का पुलाव आपने बनाया, ठीक है। और मोती पुलाव आपने बनाया, ठीक है। और फिश पुलाव आपने बनाया, कौन सा? फिश पुलाव, सही है, ठीक है जी। आपा मुझे अपनी बहन के लिए जोड़ा चाहिए। अब ये तो मैं नहीं कर सकती कुछ भी, ये तो आपका नसीब है, ये तो लकी ड्रॉ होगा, उससे होगा, ठीक है, ये तो अब आप लोग की लक है। अच्छा जी, ये देखें। हेलो रंजीता। वालेकुम आंटी जान, नाना हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी जान, और सबसे पहले तो मरियम के लिए ढेर सारी दुआएं, ऑनर, हैप्पी बर्थडे, विशिंग हर लोड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी अहेड ऑलवेज। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ की तारीफ कर रही है, इट इज ब्लेस्ड। आई थिंक शी इज ब्लेस्ड टू हैव यू हर मदर इन लॉ, रादर यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड इन दैट वे। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बेटा देखो, बहू किसी की बेटी है, ठीक है, वो ज़बरदस्ती हमारे घर नहीं आती है, हम जाते हैं उसको लेने, ठीक है। और अगर मैं अच्छी हूँ तो वो क्यों नहीं अच्छी होगी मेरे साथ, बहुत अच्छी होगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी,
तो ये दो हाथ से ताली बजती है। बड़ों को चाहिए कि वो अपनी बहुओं से प्यार करें, उनको इज्जत दे, उनको अपनी बेटी समझें, तो वो आपको क्यों नहीं इज्जत देगी, बिल्कुल देगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमेशा याद रखो बेटा, ताली दो हाथ से बजती है। हम बड़े सासे अपनी बहुओं पे सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादती, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने तो शादी से पहले उसको कहा था तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, और है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मक्खन श्री आपा, आपको और आपकी पूरी टीम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब पे अपना फजल करम करें, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जरूर दीजिए। आपने बनाया था अफगानी पुलाव, कौन सा पुलाव? अफगानी पुलाव, देखिए मुझे याद, जी सही है। और पालक चने का पुलाव, वाओ यार, ठीक है। और आलू अंडे का पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, ठीक है। श्रीयापा, मेरी मामा की बर्थडे है 15 जनवरी को, ठीक है, और उनको दवाएं दीजिए और विश कर दीजिए। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक आपकी अम्मी के लिए, ढेर सारी मुबारक, अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन। माओ जैसी तो नेमत नहीं होती बेटा। अच्छा जी, बटर बीट कर लिया हमने, लूर पाक का बटर लिया है मैंने 3 ounce, उसमें मैं 6 tablespoons डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, ये है ही 6, और 6 tablespoons डाल रही हूँ वाइट शुगर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस 1/2 teaspoon, और इसको आप अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छी तरह से फिर आप एक स्पैचुला ले लीजिए और स्क्रेप डाउन द साइड्स, पांच मिनट और बस, ये भी हो गया है फटाफट, देखें। इसको मिक्स कर लिया, अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 अंडा, अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शिरीन आपा जी, फरमाइए।
शीरीन आपा, मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाज शाह से, मतलब शहीद बेनजीराबाद से। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। दीजिए। जाफरानी चाप पुलाओ, कीमा सोया पुलाओ, सेवर पुलाओ, अफगानी पुलाओ, मटर पुलाओ, पनीर पुलाओ। वाह भाई वाह। अच्छा बताओ, आप आपके वहाँ कौन है ये जोड़ा पहनेगा कौन? आपा मेरी माँ पहनेगी। मैं 15 साल का हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं चाहता हूँ कि ये जोड़ा मेरी मेरी बहन पहने। प्लीज आप मुझे विन करवा दीजिए। अल्लाह, मेरा बच्चा मेरे हाथ में होता ना तो क्या बात थी। खैर, अल्लाह बड़ा आपा, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। आपको अल्लाह ताला खुश रखे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको क्या बताऊं, आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आपके औलाद को सेहत दे। आप जो दुआएं करती हैं हमें दिल से लगती है। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। आमीन। थैंक यू मेरा बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, अच्छा जी, देखें अब ब्रेक आ चुकी है, लेकिन आप देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। इसमें मुझे डालना है सिर्फ 1.25 कप मैदा। सारे एक मिनट दो बेटा। एक कप और 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप मैदा चला गया। बेकिंग पाउडर, सॉरी माफ करिए, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून मीठा सोडा जो आप पकौड़ों में डालते हैं वो वाला सोडा जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर रहे हैं और साथ में इसमें हम 1 कप डाल रहे हैं मिनी M&M's डाल दें या मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़ डाल दें। जी चलें जी, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।